So in this question, we don't have a diagram given in the question. तो question को read करते हैं और उसके साथ साथ उसका diagram भी बनाते हैं. First line says that ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. Okay? तो trapezium के लिए let's say we have something like this. These are the two parallel lines of the trapezium. That is the other line. Okay. और ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, मतलब दिस इज ए बी सी एंड डी एंड दीज टू आर पैरेलल. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अ लाइन इज पैरेलल टू ए सी इज ड्रॉन. सी ए सी इस तरह से कुछ आने वाला है लाइक दिस. Now, इससे पैरेलल एक लाइन जा रही है, ठीक है, और वो भी ए बी और बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कैन आई से दैट लाइन इज लाइक दिस. ठीक है, और ये क्या होगा, ए बी को एम पे इंटरसेक्ट करेगा और बी सी को एन पे इंटरसेक्ट करेगा. दैट्स व्हाट दे सेड. अब जो प्रूफ करना है उसके लिए आई हैव टू मेक फ्यू ट्राइंगल्स, दैट इज फर्स्ट ए डी एम, यानी कि मुझे ज्वाइन करना होगा डी और एम को, और ये कंस्ट्रक्शन नहीं बोला जाएगा बिकॉज वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो मुझे डिफॉल्ट वो बनाना ही है. ठीक है, तो विल नॉट कंसिडर दिस एज अ कंस्ट्रक्शन. और दूसरा है ए सी एन, ए सी एन, फॉर दैट आई नीड दिस लाइन लाइक दिस. ओके, अब सो इन द गिवन पार्ट वी हैव टू थिंग्स एज ऑफ नाउ, दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड एम एन विल बी पैरेलल टू ए सी. ठीक है, ये दोनों उन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया होगा. Now, if I have something to construct, that is just one line. See, construction will be join MC. Join MC. तो अब इससे होगा क्या? यहां पे दो पैरेलल्स के बीच में मुझे दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे. ठीक है, जॉइन एम सी टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एन. ओके, नाउ प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल. सी सबसे पहले तो ट्राइंगल ए सी एन एंड ट्राइंगल ए सी एम हैज सेम बेस, हैज सेम बेस विच इज ए सी एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स ए सी एंड एम एन. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एम शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एन. लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. अब ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव ट्राइंगल ए डी एम, ए डी एम
एंड ट्राइंगल ए सी एम, दे आर ऑल्सो हैविंग सेम बेस एज ए एम, ठीक है, एंड दे ऑल्सो लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन है वो दो पैरेलल्स, ए बी एंड डी सी। तो यहां से भी हमको क्या मिल जाएगा, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एम। अब ए सी एम का एरिया ए सी एन से भी इक्वल है फ्रॉम वन, और ए सी एम का एरिया ए डी एम से भी इक्वल है फ्रॉम टू। तो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन इजीली डिड्यूस दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम इज इक्वल विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एन, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इट्स जस्ट अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द डायग्राम्स।